खबर बहराइच जिले से है, जहां पर थाना रुपेडीहा इलाके के ग्राम सभा दौलतपुर के निधिपुरवा गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पास में लगे बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भयंकर आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, आग की चपेट में आकर लगभग आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए, जबकि घर में रखी नकदी समेत जेवरात भी जलकर राख में तब्दील हो गए। मौके पर मौजूद पीड़ितों का कहना है कि घर में अनाज रखा था वह भी जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, सभी घरों को मिला करके लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। वहीं पास के स्थानीय ग्रामीणों ने जब आनन फानन में आग लगने के बाद डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन किया तो पुलिस तो मौके पर पहुँच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुँची। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस के साथ ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, लेकिन अफसोस आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंचा ही नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आ जाती तो हम लोगों के नुकसान होने से बच जाते। एक तरफ कोविड 19 का कहर जारी है जिससे लोगों की कमर टूटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कैसे आग लगी? बिजली से। कितना नुकसान हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर कुछ नहीं बचा, खाने पीने के लिए घर में जो कुछ था सब जल गया, रहने के लिए अब ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं बचा, सब नुकसान हो गया, सब बढ़ गया, आग लागी सब जल गए। हमारा तो स्थिति बहुत बुरा हो गया। पैसे वैसे भी थे तो घर में? कुछ पैसे थे तो सब जल गए, उसी में रखे थे घर में, वो भी जल गए। सुंदरी नाव है। आग कैसे लगी? आग बत्ती से लगी। सामान कुछ बचा होता कि नहीं बचा? बचा कहा बचा, जत्ता रहा यार सब जरिया भैया, बल्ला पल्ला गल्ला रहा, 2-3 बोरिया ठाड़ा है, वो बरिगा दसनी कथरी जत्ता कुछ रहा है, लोला का यार बहिर वक्त सब बरिगा भैया। खाने के लिए कोई सामान नहीं बचा? अरे बच्चा तो थोड़ा रहा है डेरी धुरकी में, तो कुछ बचा है भैया, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो घर में तो कुछ नहीं, दाल चावल और सब सामान जितना रहा सब जल गया, कुछ नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल मिला।